आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी से शुक्रवार को सवाल किया कि कांग्रेस अगर जितनी आबादी उतनी भागीदारी के सिद्धांत में विश्वास करती है तो उसके शासनकाल में एक ही परिवार से इतने सारे प्रधानमंत्री क्यों बने, एक ही परिवार से इतने प्रधानमंत्री क्यों। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वाशिम जिले में भारतीय जनता पार्टी के OBC मोर्चा द्वारा आयोजित OBC जागर यात्रा को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि BJP शासन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक सत्ता और कल्याण लाभों में पर्याप्त हिस्सेदारी मिल रही है। देश में जाति आधारित जनगणना पर जोर देने वाली कांग्रेस जितनी आबादी उतनी भागीदारी के नारे का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इस नारे का जिक्र करते पूछा, फिर इतने सारे प्रधानमंत्री केवल एक ही परिवार से क्यों आए, क्या वे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने एक समय मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया था। OBC वर्ग के साथ खड़े हैं PM मोदी, देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने कहा कि आज देश में OBC प्रधानमंत्री हैं और ऐसे नेता हैं जो OBC के लिए काम करने के वास्ते खड़े हैं। फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और OBC तक पहुँचता है। उन्होंने कहा कि लगभग 60% केंद्रीय मंत्री इन समुदायों से हैं। डेप्यूटी CM ने दावा किया कि इस तरह फसल बीमा का 71% लाभ इन समुदायों को जाता है और वे PM किसान सम्मान निधि के तहत 80% लाभार्थी भी हैं।